हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो माइक टेस्टिंग। देखिए, जब भी कभी हम काम कर रहे हैं ना, मोटर का, समर्सिबल मोटर का हो चाहे कोई भी मोटर का हो, तो हमें सच्चे मन से करना चाहिए। हमें ये सोच के करना चाहिए कि हमारा जो मोटर है, हमने जो बनाया हुआ मोटर है, वो ज़्यादा दिन तक चले, वो जल्दी ना जले। और मेरे हिसाब से लगभग बहुत सारे मैकेनिक इसी चीज़ पे प्रयास करते हैं कि उनका जो मोटर है वो जल्दी से ना जले। लेकिन फिर भी ग्राहक को जो है गलत फहमी हो जाती है, उनको लगता है कि हम ठीक से मोटर नहीं रिवाइंड किए, इसलिए जो मोटर है हमारी जल्दी जल गई। लेकिन मैं कहता हूँ कि ऐसा कोई भी मैकेनिक नहीं हो जो ये चाहता हो कि उनकी मोटर जल्दी जली हो, मतलब जल्दी जल जाए। तो बहुत सारे मैकेनिक आज इस चीज़ पर, मतलब ये चीज़ हमेशा ट्राई करते हैं कि उनकी जो मोटर है वो जल्दी ना जले। इसका तो कॉम्पिटिशन चल ही रहा है, लेकिन फिर भी मोटर जो है वो जल्दी से जल जाती है। अब ग्राहक के मन में ये सवाल आता है कि कोई तार हल्का तो नहीं डाल दिया, बहुत सारी चीज़ें। अब ये जो बात है उनके मन में आना, बहुत सारी चीज़ें मतलब होनी ही चाहिए, क्योंकि उनको इन सारी चीज़ों का पता नहीं है। इसीलिए वो ज़रूर ये सोचेगा कि हमसे जो है उन्होंने ज़्यादा पैसा लिया और तार जो है मोटर का जो है वो हल्की क्वालिटी का डाल दिया, इसीलिए मोटर जल्दी जल गई, यानी कि ये मिस्त्री फ्रॉड है। और ऐसा अगर होता रहा तो हमारा जो काम है वो मतलब बंद पड़ने पर आ जाएगा, काम ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। आप जब तक मेहनत जो है ईमानदारी से करते हो तब तक चलता है। देखिए, अगर आप ईमानदारी से काम करोगे तो आपकी सारी चीज़ें होंगी, आपके पास सारी चीज़ें, गाड़ी, बंगला, सब कुछ होगा। लेकिन आप बेईमानदारी से इस फील्ड के अंदर अगर काम करेंगे तो आप कभी टिक नहीं पाएंगे, कभी खुश नहीं रह पाएंगे। इसीलिए अब हमें सच्चे दिल से मोटर का काम करना चाहिए, इस बात को मैं मतलब कहना चाहता हूँ। जो मिस्त्री ये सोचता है कि यार मैं मोटर रिवाइंड कर दिया और जल्दी जलना चाहिए, तो ऐसे मिस्त्री कभी भी आगे नहीं जाते, मैं खुला खुला बोल रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे गांव में, मतलब बहुत सारे मैकेनिक हैं जिनको आज तक मोटरसाइकिल भी लेना नहीं होता है, घर तो बांधने की बात दूर है। जो मिस्त्री सच्चे और ईमानदारी से लगन के साथ काम करता है वही इस फील्ड के अंदर टिक पाता है। ईमानदारी से मतलब क्या काम करना चाहिए? अभी कोई अगर ग्राहक आता है और बोलता है कि हमारी मोटर चेक करना है, चेक करने के लिए आपको टाइम बोलना है। मान लीजिए कि आपने 2 बजे का टाइम दिया, तो 2 बजे आपको जाना ही है, लगभग 10-15 मिनट इधर उधर हो सकते हैं, कोशिश करना है कि 2 बजे जाना है। इसी तरह हमको दिन भर का शेड्यूल, हमको कहाँ कहाँ पे जाना है, इसका हमको शेड्यूल बना लेना है। लेकिन मान लो कि आपको 2 बजे जाना है और आपको नींद आ रही है, तो आपको बिल्कुल भी सोना नहीं है, इस चीज़ का ध्यान दो। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को होता है, मेरा ये हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे बहुत मतलब थकान हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मैं इस चीज़ को बाद में जाता हूँ, ऐसा नहीं है। उस चीज़ पर आपको जाना है, इसे लेकर हमें आगे बढ़ना हो तो आपको ज़रूर उस चीज़ पर जाना होगा। तो चलिए, आज का जो मेन टॉपिक है कि मोटर जो है वो हम उसको जलने से कैसे बचा सकते हैं। अब ये है हमारा पैनल बॉक्स, क्योंकि हमारा ही पैनल बॉक्स है इसलिए हम आपको बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। क्योंकि हमारी मोटर जो है ये लगभग 4-5 साल हो गए तो अभी तक नहीं जला है, सच कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये जो मोटर है वो नहीं जला है और मेरा जो है पैनल बॉक्स तब से लेके अब तक ये अच्छा है। सिर्फ स्टार्टर एक बार चेंज किया क्योंकि उसकी जो पट्टियाँ थी वो मिल नहीं रही थी, ये स्टार्टर हमने बदल दिया है बस इसी की वजह से, क्योंकि वो काइट हाइटेक का स्टार्टर था, उसका स्पेयर नहीं मिल रहा था और बाकी सारी चीज़ें तब बिठाई तब तक के लेके अभी तक तो ऐसी ही हैं, ठीक है। अभी मेन जो मोटर है, अगर हम कोई मोटर इंस्टॉलेशन करते हैं तो हमको सबसे पहले किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए? सबसे पहले हमको सबसे इन सारी चीज़ों में से सबसे चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है, ये फेज तार। फेज तार को लोग जो हैं मतलब लाइटली लेते हैं, उनको लगता है कि फेज तार सिर्फ करंट कट करने के लिए, बिल्कुल नहीं है। सबसे ज़्यादा हाथ मोटर जलाने का और बचाने का वो इसी का है, इस बात को समझ लो। तो इसमें करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि फेज तार एकदम, फेज जो है एकदम फ्री, मतलब फ्रेश होनी चाहिए, इसके अंदर जंग वगैरह नहीं होना चाहिए, फ्रेश होने चाहिए, जंग वगैरह नहीं लगना चाहिए। जंग लगने से लूज कॉन्टैक्ट होता है, जंग लगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लूज कॉन्टैक्ट नहीं होना चाहिए। मोटर चालू करने के बाद चुरचुर आवाज़ इसके अंदर से नहीं आनी चाहिए। कैमरा थोड़ा सा साफ किया। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि फेज तार, फेज तार मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, ये रहा फेज तार। तो ये फेज तार ही होना चाहिए, एल्यूमिनियम का तार यूज़ नहीं करना है। और इस तरह इसको 3 बार लपेट देना है, 3 बार, यहाँ पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, यहाँ पर अच्छी पकड़ होना चाहिए, ठीक है। तो ये फेज तार का, सही फेज तार का सिलेक्शन होना सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये वाला फेज तार देखिए, सबसे पहला छोटा वाला फेज तार इस्तेमाल करना है, अगर वो उड़ता है बार बार तो उससे बड़ा वाला यूज़ करना है। तो बेवजह बड़ा फेज तार नहीं यूज़ कर रहा है, यानी कि सही फेज तार का सिलेक्शन होना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद आता है स्टार्टर। स्टार्टर जो है इसकी जो पट्टियां हैं हमको एक बार घिस के बिठा देना, इसके अंदर की जो पट्टियां होती हैं एक बार घिस के अच्छी तरह से बिठा देना है। और
ऑन करके देख लेना है कि कहीं थोड़ा सा टार्टर थोड़ा सा खींच के नीचे देखना है, कहीं मतलब लूज कांटेक्ट तो नहीं रहता। इसकी पट्टियां सेम डिस्टेंस पे होनी चाहिए, मतलब टार्टर का आपको काम अच्छे से करना है। और इसको निकाल के इसके अंदर एक लोहे की पट्टी आती है, उसको भी साफ कर देना है पॉलिश पेपर से, ठीक है। इसको तो इसके अंदर एक लोहे की पट्टियाँ आती है, कॉइल के नीचे का पोर्शन और इस घोड़े का पोर्शन, इसको घस के जाम करके बैठा देना। तो ये आपको तीन चीज़ें करना है, पट्टियाँ साफ कर देनी है, घोड़ा साफ कर देना है इसका, बस ये हो गया। तीसरी चीज़ होनी चाहिए ऑटो स्विच, ये भी एक ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि हमारे यहाँ पे होता क्या है कि हर हफ्ते लाइट चेंज होता है, और अगर सिर्फ फेज और स्टार्टर हो तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि अभी सिंगल फेज वोल्टेज आया क्या और थ्री फेज आया। और कुछ मोटर ऐसी हैं कि सिंगल फेज स्टार्टर पर भी मतलब सिंगल फेज वोल्टेज पर भी पानी देने लगती हैं, तो इसके लिए वो मोटर कुछ देर के बाद जल जाती है, लगभग 4-5 मिनट के बाद या फिर 1 घंटे के बाद जल जाती है। ऐसी कंडीशन में जो है तो हमारे जो है ऑटो स्विच होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑटो स्विच जो क्या होता है कि ये बता देता है कि अभी लाइट थ्री पेज है क्या नहीं, क्योंकि ये थ्री पेज हो तभी स्टार्टर ऑन करेगा, ये इसका बेनिफिट है। और ऑन ऑफ करने काम आए, ऑन ऑफ करने काम ना भी आए, मतलब आपको अगर ज़रूरत नहीं भी उसकी तब भी आप ऑटो स्विच बिठा लेना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर चालू मोटर के अंदर अगर ट्रांसफार्मर का अगर लिंक चला गया तो फिर ये ऑटो स्विच आपकी मोटर को बंद कर देगा, अगर ये नहीं होगा तो स्टार्टर आपका चालू रहेगा, क्योंकि स्टार्टर को जो है बीच वाला जो फेज है ताकि मोटर जल जाए। अब सबसे बड़ी बात, बीच वाला जो फेज होता है स्टार्टर वाला जो बीच वाला, यानी कि स्टार्टर का बीच वाला जो फेज होता है उसको डबल तार डाल देना है, क्योंकि ये फेज उड़े या फिर ना उड़े इसको स्टार्टर गिरता नहीं है, ये हो गया। और चौथी बात यह है कि इसका रिले सेटिंग ठीक से करना चाहिए। एम्पियर मीटर पर आप सबसे पहले मोटर का एम्पियर चेक कर लो, अगर मान लीजिए मोटर आपकी 10 एम्पियर लेती है तो उसके 15 के ऊपर सिलेक्ट कर दो, और मान लीजिए 15 लेती है तो उसको 18 के ऊपर सिलेक्ट कर दो, बस ये एम्पियर सेटिंग, रिले सेटिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए, ये वीडियो कैसा लगा और कुछ सारी चीज़ें हों तो बता देना। बस यही चीज़ें जो है आपको ध्यान रखना है, फेज, ऑटो स्विच, स्टार्टर और रिले सेटिंग, ये अगर ठीक से करोगे ना तो आपकी मोटर नहीं जलेगी। और एक चीज़ है मैं बताना चाहूँगा, फिर भी मोटर जलने के लिए सबसे बड़ा कारण होता है अभी इस इसके ऊपर जो कनेक्शन है ना, वहाँ पर का वो कनेक्शन वो भी चेंज करना चाहिए, लगभग 2-3 साल के बाद वो चेंज करना चाहिए। लगभग 1 साल की बात करोगे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन 2-3 साल के बाद अगर एक बार मोटर जल जाए तो ये भी करने बोलोगे तो बहुत अच्छा होगा, खर्चा ज़्यादा नहीं आएगा, 300-400 रुपये लेगा जो वो जोड़ने वाला है केबल, उसको ट्रांसफार्मर बंद करके ऊपर का जो केबल है वो जोड़ना पड़ेगा, ये भी एक चीज़ है। तो हमको कोशिश करनी है कि कभी भी अगर हमने मोटर इंस्टॉलेशन करते हैं, मोटर बार बार जलती है या फिर हम अब ऊपर वाला तो काम नहीं कर सकते, लेकिन जब भी कभी हम मोटर इंस्टॉलेशन करेंगे तो इसके अंदर पैनल बॉक्स के अंदर की ये सारी चीज़ें ज़रूर करके देना, क्योंकि अगर यही मोटर अगर 2-4 साल चलेगी तो हमको ये वाला जो ग्राहक है और भी 4 ग्राहक जोड़ के देगा, लेकिन ये मोटर जलेगी तो आपको एक मोटर में मुनाफा थोड़ा सा मिल जाएगा लेकिन ग्राहक कम हो जाएंगे। हमको ग्राहक चाहिए, मोटर बार बार वही नहीं चाहिए, तो इसके बदले हमको दूसरी मोटर चाहिए, ये वाली नहीं चाहिए, ये सही है बात, ठीक है। तो चलिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो बोले टेक केयर एंड गुड बाय।